2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। 2022 में सीएम योगी अयोध्या से चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। यहां तक कि सीएम योगी के लिए अयोध्या के विधायक ने अपनी सीट तक छोड़ने की बात कही है। यूपी के राजनीतिक गलियारों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी रामनगरी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी नहीं कहा जा सकता। दरअसल रविवार को सीएम योगी के अयोध्या आने के दौरान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया था। अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने के सवाल पर विधायक ने खुशी जताते हुए कहा, मुख्यमंत्री अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो वे उनके लिए अयोध्या की सीट छोड़ने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना अयोध्या वासियों के लिए गर्व की बात होगी। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सीएम योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो वे उनके लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों के चलते राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विपक्ष ने उनके चुनाव लड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भी शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा था। योगी 1998 में पहली बार चुनाव जीतकर 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने थे। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कम अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। योगी आदित्यनाथ अब तक 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2014 में योगी आदित्यनाथ 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिले बहुमत के बाद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम घोषित किया। सीएम योगी भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और हैदराबाद में चुनावी रैलियां कर चुके हैं। न्यूज रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।